यार कल ना एक रिकॉर्डिंग थी टीवी शो में मैं और अली वहाँ पे थे और जो एंकर था ना वो बड़े अच्छे सुफिसिक से बंदे थे उन्होंने हमें जो कुछ बातें बताई कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा होता है यानी लोग व्यूअरशिप के लिए कैसे कैसे टाइटल्स कैसे कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं भी सपोर्ट करना होता उनको सपोर्ट करते हैं जस्ट टू रेटिंग्स रेटिंग्स वगैरह के लिए अच्छा ऐसे टॉपिक्स पे बात करना जिसमें जो कि जिसपे स्पाइस हो mm. या ऐसे टाइटल्स रखना उनको हुक करके रखने इवन कर 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 ऐसे टाइटल रखना कि फॉर एग्जांपल इमरान खान पे हमला हो गया और पूरे वीडियो में इमरान खान पे हमले की बात ही कोई नहीं है <laughs> अच्छा <laughs> ये बेट तो बहुत कॉमन है अब ये तो होता है कि एग्जेजरेशन टाइप हो जाता है यार जिस तरह एंड में जाके उसके बताएंगे देख हाँ। ये तो आप जो उधर ये तो क्लियर कर जूट है, जूट है ना? तो क्योंकि हमारी बात हो रही थी कि यार अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो ऑप्सीड होता जा रहा है एक तरह से और अभी डिजिटल मीडिया की जो है ना वो है इवन पुख्त चैनल्स ने भी पॉडकास्ट शुरू कर लिया अपने सो वी वो टॉकिंग अबाउट के आ, आप लोग भी आए कहते हैं यार यहाँ पे ना झूठ बहुत है और आपको ना एक यानी बाइस्ट होना पड़ता है साइट देनी पड़ती हैं सच को छुपाना पड़ता है जनरली वो तो आप देखें ना रेटिंग्स भी बढ़ाते हैं और इस हवाले से इमेजिन करें द वे दिस पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर यानी एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं hmm. आ, और आप देखेंगे हालांकि ये हमारे सो टू से बड़े अक्लमंद और हमारी जो सोसाइटी के वो वो वाली अभी कहने के साइड है hmm. और घंटे घंटे लोग सुनने वाले सुनते भी हैं हालांकि इसका जो आप नतीजा देखेंगे ना वट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इट दर इज़ नथिंग और हमारे ऐसे ना यानी अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली वट इज़ कि हमारे यहाँ भी हमने यही देखा है कि अगर दो दोस्त बैठे हैं ना एक किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है दूसरा किसी को और को कर रहा है हालांकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है वो इतना अब ये कहने बायस्ड हो जाते हैं ना हो सकता है कि वापस में वो गुथम गुथा हो जाए वो वो तो बता रहे थे हाँ। कि उनका न्यूज़ का काम है और करंट uh, अफेयर्स का उनका शो है मैं नाम नहीं लूँगा तो कहते हैं कि हम पॉलिटिशंस को बुलाते हैं और पॉलिटिशन्स जो है ना अपने लीडर को बाहर जब हम स्मोक कर रहे होते हैं या वैसे बैठे होते हैं गालियाँ दे रहे होते हैं mm. बट जब शो में आते हैं तो ब्लाइंडली उस बंदे को डिफेंड कर रहे होते हैं हालांकि उनको पता है कि वो ये ग़लती है हमारी सोसाइटी में रॉन्ग का स्टैंडर्ड क्या है वैसे ये एक सवाल है कि क्या हाँ। हम रॉन्ग हमारे कम्यूनिटी में लोग किस समझते हैं क्या सिर्फ जो विजिबली रॉन्ग होता है जिसमें आपका कोई फिज़िकल एक्शन होता है उसी को रॉन्ग समझा जाता है या जो अल्फाज होते हैं आपके या कन्वर्सेशन होती है या बदतमीज़ी होती है गालम ग्लोच होती है शायद इसको रॉन्ग समझते ही नहीं है हाँ बल्कि इसको स्मार्ट हाँ। समझते हैं हाँ ये मुझे तो समझ में आती है बात कि देखिए हम ना अमूमन जुबान से जो कहना चाहते हैं अदा कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इससे क्या कौन कौन सी हैं कौनसिक्वेंस आर द रिशन ऑफ इट मुझे वो हदीस याद आती है सुफहान अला आप देखें माज बिन जबल में जब रज़ी अल्लाते हैं कि एक दफ़ा सुबह हुई एंड आई वॉज रसूलम और ये बड़ी अच्छी उन्होंने अपॉर्चुनिटी पाई कि मैं और रसूल अकेले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है लिया जा सके तो कहते हैं कि मैं उनके और करीब हो गया और मैंने पूछा यार रसूल मुझे ऐसा कोई अमल बताएं कि मैं जन्नत से करीब हो जाऊँ और जहन्नम मुझे दूर कर दी जाए वो बड़ी लेंथी हदीस है उसमें रसूल ने फरमाया कि ए मौस तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है तुम तुमने बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली है फिर फ़माया कि अल्लाह ताला से शिरक मत करो नमाज़ पढ़ो हज करो ज़क़़ात रोज़ा वगैरह वगैरह और ये भी बताया कि इसी हदीस में कि जो रोज़ा है वो ढाल बन जाता है

यानी आखद या 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 बिलिसानी ही उन्होंने अपनी ज़ुबान को पकड़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा कुफ़ अनहद यानी इसको थाम के रखो इसको रोक के रखो तो बिन जबल ने कहा या रसोल्ला इन्ना लमो आखून बीमा निकल लम्बी कि या रसोल्ला हमें क्या पूछा जाएगा जो हम बात करते हैं अपनी ज़ुबानों से कि हमें पकड़ा जाएगा इस बिहाफ़ पे तो रसोल्ला ने फरमाया फरमायाकुलत का उम्म का या महाज़ यानी एक मुहावरा अरबिक में कहा जाता है कि तेरी माँ तुझे घूम पाए कि कैसा क्वेश्चन कर रहे हो फिर फ़रमाया कि लोग इसी ज़ुबान की वजह से इसी ज़ुबान की वजह से जहन्नम में ओंधे मुंह धकेले जाएंगे उनको डाला जाएगा और इसमें जो लफ्ज़ आए ना हिसा दी यानी ये, ये जो है ना ये जो खेती होती है ज़ुबान की मिसाल के तौर पर वॉट एवर आई से टू यू जो भी मैं आपसे कहता हूँ हो सकता है कि आपको वो बात पसंद आए वो एक बीज एक सीड मैंने आपकी दिल में डाल दिया है और वो ग्रो कर कर के और फिर वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है दैट्स अ वेरी बिग इशू तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ज़ुबान जो है न थोड़ा सोशल मीडिया देख लें बहुत से लोग एक दूसरे को गालियाँ निकालने के अपने व्यवर्स लेते हैं दूसरे को रोस्टिंग कर करके अपने व्यवर्स लेते हैं एक्सपोज ये तो एक्सपोज कल्चर तो आम है ना कि फ़लाने को एक्सपोज अच्छा शायद वो अंदर से दोस्त भी हों लेकिन तो, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं और वह ब्लिटल हैं और लोगों को किस तरह का एक इंप्रेशन दे रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यार से फैलना जो कि जिनकी लैंग्वेज यानी मैं हैरान होता हूँ कि वो किस तरह कॉन्टेंट बना रहे हैं कि उनकी बहन या माँ अगर देखे वो शर्म से डूब जाए और कभी उसको ओन ना करे कि मैं इसकी माँ हूँ लेकिन <laughs> इतना सोसाइटी का जो मॉरल एथिकल लेवल गिर गया है दे प्राउडली से कि ये हमारा बेटा है और वो उसमें माँ ही गालियाँ दे रहा है उसमें यानी आ, इवन जो ड्रामाज या जो फिल्म बनाते हैं यू, इस पर यूट्यूब पर उसमें ऐसी ऐसी गंदी बातें फहश बातें और आप देखें बहुत सारे शोज़ अभी तो पहले तो यूट्यूब पर तो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं जो बेस्ड ही हैं सेक्शुअल सर्कजम वगैरह पे कि अच्छा आप ये करते हैं वो करते हैं और सारी एक मैं शो देख रहा था ऐसे मुझे नज़र से गुजरा जिसमें ना ख़ातून को या मर्द को आंख पे वो पहना के कपड़ा पहना के एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में गैस करवाया जाता है जो कि जिसकी जो इंडिकेशन्स दी जाती है ना वो किसी प्राइवेट पार्ट की होती हैं लेकिन है वो ऑब्जेक्ट ये की तो उसका शुरू यहाँ से होता है ख़त्म यहाँ पे होता है और इस काम आता है उस काम आता है और वो हंस रहे हैं सारे उसमें बहनें बैठी हुई हैं भाई बैठे हुए हैं सब बैठे और वो सब You know. yes, वलगर जोक्स का जो है ना कॉन्सेप्ट वो हमेशा से मतलब एक है कि वलगरिटी कुछ अतान ने हमें इस तरह ही कर दिया था कि हम उस चीज़ को एक वो हट के थोड़ा सा वो बोल्ड किस्म की चीज़ हो जाती है आपको है उस बंदे से ये पूछा गया एक और किसी और पॉडकास्ट में कि आपने ये कहा तो लोगों का ये कहना था इस पर कि वलगर जोक्स हैं तो उनका जो जस्टिफिकेशन थी ना वो ये थी कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा देखे मैंने जो भी कहा लोगों ने उसको गलत समझा ठीक है इसका मतलब है कि पोल्यूशन इज़ इन द माइंड ऑफ पीपल नॉट इन वट आई एम सेग

इतनी कोई <coughs> स्टैंडर्ड है नहीं क्योंकि हर बंदे का अपना स्टैंडर्ड एक बिजनेस मैन है उसके नज़दीक थोड़ा बहुत झूठ बोल के कारोबार चलाना बिल्कुल जायज़ है ठीक है एक बंदा है कि यार कहता है थोड़ा बहुत सूद भी जायज़ है

आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हाँ. अगर आप उसको किसी को नेचुरली किसी बंदे के अंदर ये सेंस ऑफ इस तरह की ह्यूमर है कि यार किस, मजाक किसी को उड़ा लेता है हाँ. या, अब वो ये या तो उस ह्यूमर को मजाक उड़ाने में इस्तेमाल करें यार जनरली ऐसा नाइस ह्यूमर कह जिसमें सब किसी की बेजती ना हो किसी की इंसल्ट ना हो हाँ, यार मैं आपको एग्ज़ैम्पल दूँ सुफहानल्लामसूर तौबा जो कुछ दिन पहले गुजरी रमज़ान में और उसमें आयत पढ़ते कि जिसमें जो तीन लोग ग़बा से पीछे रह गए ठीक है वो अस्सी लोग रह गए थे लेकिन तीन लोगों ने झूठ नहीं बोला उनमें से काबिन मालिक थे अच्छा अब काबिन मालिक कहते हैं कि मुझे हज़ारों तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं असम को बता दूँ कैक्स स्टोरी का ये है जाके जब अल्लाह के नबी के पास गए और कहा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जबान hmm. मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश करता हूँ कि लोग यानी मैम एक एक्सपर्ट ऑफ hmm. लिंग्विस्ट और मैं अगर आपको बात करूँ तो हजार बहाने में दे सकता हूँ बटो गलती मेरी थी मुझसे हुई bro, हम लोग तो ज़बान के वो भी हैं भी नहीं ठीक है <laughs> एक्सपर्ट्स और सब कुछ और हम फिर भी यार हमें ब्रो दीन का पता ही नहीं है एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है ये जब एक बार आयशा रजी वन ने आ, बस एक कमेंट पास कर दिया था सफैया के सफ़ैया के बारे में कि वो यू नो शी इज शॉर्ट हाइटेड राइट तो मुझे याद है कि उन्होंने सिर्फ इशारा इशारा किया इशारा था। था। किया जबान से पता था। था। तो चलता है कि सिर्फ इशारे से भी रसोल ने क्या जवाब दिया, कि कुलती कि ए ऐसा कलिमा कह दिया। इस कलिमा को अगर समुंदर में डाल दिया जाए ना पूरे यानी कोट कर दे खराब कर एक स्टेटमेंट है किसी के अगेंस्ट अगर बंदा बोले उसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसिस हैं तो व्हाट अबाउट अस हाँ uh, ये ये जो स्टेटमेंट है ये देखें ना शॉर्ट हाइटनेस कहना या किसी को मोटा कह देना या किसी के बारे में बेसिकली फिजिकल ये तो इतना नॉम है ना मतलब दिस इज़ सो कॉमन राइट right आप सिर्फ दो मिनट के लिए इमेजिन करें कि नबी वसम अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि ये कलमा अगर जाए तो वो पूरे समंदर को इंटेमिनेट कर दे hmm. हमारे माशरे में हर घर हर गली हर स्कूल हर क्लास में डेली बेसिस पे इस तरह के कितने कलमात कहे जा रहे हैं जो कि इससे बढ़ के होंगे

इस पर इस चीज़ का डिजीन होता है कि वो एक बल्कि शेख ने बताया भी था कि जो आप मजाक करते हैं ना उसमें आपकी नीयत पे मजाक जज नहीं होता इस पर जज इस चीज़ पर होता है कि जो मजाक जिससे किया जा रहा है उसने परसीव कैसे किया शेख ने यह भी कहा कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है बिल्कुल यानी जो शेख ने कहा ना कि आप मजाक हैं ही टेकिंग लाइटर नोट बड़ा क्या मजाक उड़ा रहे हैं ना और ये कर रहे हैं ये उड़ा रहे हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं कर रहा हूँ या उड़ा रहा हूँ ये अगला बंदा डिसाइड करेगा कि ये मेरा मजाक उड़ाया गया सो इट इज़ वेरी लग से मिसाल के तौर पर एक हदीस मैं इन शेयर करता हूँ और इमेजन करें कि ये हदीस हमें पहले ना भी पता हो अब पता चल गई और हर बंदा ना अपने गरीबान में झांक और देखिए वेयर इज़ दैट पर्सन स्टैंडिंग जहाँ पर रसोल ने फरमाया कुल्लु कला में आदम ही लहू इब्ने आदम का हर लफ्ज़ उसके अगेंस्ट होगा उसके लिए नहीं है इल्ला आगे एक्सेप्शन बता दी दिए अमरुम बिल्माआरूफ औ नहयुन अनिल मुनकर औ जिक्र विक्र यानी सिर्फ ये तीन कलिमात हैं जो आदम के बेटे के लिए हैं जो उसको सपोर्ट करेंगी अदरवाइज इसके अलावा जो भी वो स्टेटमेंट्स या वर्ड्स अटर कर रहे हैं ना वो उसके अगेंस्ट होगी एंड आई वाज लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि एवरेज ह्यूमन बीइंग इन अ डे और सुबहाना वुमन के लिए और भी उन्होंने बताया कि वुमेन दे अटर थर्टी थाउजेंड वर्ड्स नहीं अच्छा तो <गुण। laughs> ये वो बता रहे पर डे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करे, करेंगे ना पर एनम इट मेक्स अराउंड सेवन पॉइंट फाइव मिलियन यानी तकरीबन अस्सी लाख के आस पास बंदा वर्ड्स अटर करता है और हमें बताया जाता है ना कि प्यूबर्टी जब आ जाती है जब बंदा बलुगत को पहुंच जाता है तब उससे आ, उसके उसको यू नो हिल बी हेल्थ अकाउंटेबल उससे पता चल उस, उसको जो है ना वो जज किया जाएगा लेट्स से अगर एक बंदे की उम्र 60 साल है इट मेक्स 45 फाइव ईयर्स अप्रोक्सीमेटली दैट पर्सन स्पीक्स अराउंड 80 लैक्स वर्ड्स तकरीबन 8 मिलियन वर्ड्स बोलता है और वो फिर वो बता रहे थे कि जो एवरेज नोवल होता है ना उसकी तकरीब इराउंड वन हंड्रेड थाउजेंड वर्ड्स कहने का मकसद ये है कि हर शख्स एन एवरेज पर्सन तकरीबन साढ़े तीन हज़ार नोवल्स के बराबर वर्ड्स अटर करता है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में अब हम देखें कि अगर एक एक लफ्ज़ की स्क्रूटनी होने लग जाए hmm.

किया था, लिखा लिखा था सब में तो आता है इबन आदमी जब भी सुबह करता है ना उसके तमाम अजा हाथ पाँव जो भी आजा है जबान से पनाह मांगते हैं एवरी मॉर्निंग अगर तू ठीक रही तो ने अपने आप को लेट लूज ना छोड़ा तो फिर हम भी बच जाएंगे और अगर तू खराब हो गई तो फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने ना हमें हम देखें कि जो चार गेट्स दिए हुए ना होंड और दांत इसको काबू करने के लिए और सलफ तो कहते हैं कि यू कंट्रोल द टंग इफ़ यू डोंट स्पीक बट वन यू ओपन योर माउथ योर टंग कंट्रोल्स यू एंड देन इट विल विसाइडेड कि तुम्हारे साथ क्या हाशर होगा जी मेरा मेरा इसमें सवाल एक ये बनता है कि हम आ, अभी आपने उफ का जिक्र किया आपने इशारे का भी जिक्र कर रहे हैं हम लोग किस तरह डिटर्मिन करेंगे कि एक बंदा ऊँची जबान में बात करता है कि ये तो जनरली सबको पता ना कि यार इसने गाली गलोच दे रहा है गुस्सा कर रहा है ये बुरा है नो बड़ी सेस कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है हार्डली कोई होगा लेकिन जो बाकी जेस्चर्स होते हैं जिसके बीच में हम आ, कह सकते हैं किसी की चुगली करना इब्त कर देना या हल्का सा जोकिंगली किसी के बंदे में बारे में उसके सामने हल्का सा कोई बात कर देना या फिर आ, आप और मैं अगर बात कर रहे हैं कोई तीसरा बंदा हमारे बारे में देख के ना किसी को इशारे कर रहा है या आई रोल कर रहा है यार इसके कपड़े हां में यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है एडिशनल चीज़ें जो मे बी शायद डायरेक्टली जुबान से कोई बहुत बड़ी चीज़ ना लग रही हूँ वो सारी इस कैटेगरी में फॉल करती हैं यहाँ शेख ये बहुत सेंसिटिव मैटर है والله लज़ीम अच्छे अच्छे यार इसमें इन सेंसटिव है इस मैटर में यानी किसी को इशारा कर देना बिलाल के बारे में जो सहाबी ने कह दिया था तो अल्लाह के मिशन फरमाया कि हाँ, आ, काली माँ के बेटे। तो इतने परेशान बिलाल को लेके आय अपना चेहरा जमीन पे रखा और कहा बिलाल अपने चेहरे को मेरे मुँह के ऊपर रखे और मुझे स्कूज करे और मुझे माफ कर दे प्लीज और प्रो हमें हमसे जनली दिन में कितने टोंट्स या इवन मजाक में भी इन उम्मीद है कि हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती लेकिन मजाक में भी कैजुअली भी कितने ऐसे अलफाज कितने ऐसे टॉन्ट्स वाइफ दोस्तों यारों के लिए इवन जो मेड्स हैं काम करने वाले निकल जाते हैं कि बेहद यार सुफ़ाना वहार्द है कहते हैं कि हम जो हेकमत अल्लाह ताली तफ से आई है उसके टेन पार्ट्स हैं नाइन पार्ट्स इज़ साइलेंस

उनके लिए भी आसानी का बायस है और तुम्हारी निजात का बास है सो यार साइलेंस इज़ सो ब्यूटीफुल कि अगर हमें अंदाजा होना हाउ मनी टाइम्स डू वी थिंक यार काश में जो मैंने बात की कर, ना करता यार अभी आपने जो बात की है ना कि आ, हर दिन सुबह जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं पनाह मांग रहे होते हैं इन्हीं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ज़ुबान से कि प्लीज़ आजर अपना ख्याल रखना अब इस हवाले से जो हमें इन रेशन मिलती है कि एक औरत थी आ, शी यूज़ टू प्रे फास्ट करती थी और यानी चैरिटी भी देती थी बट शी टू हर नेबर तो रसुल्ला ने क्या कहा ला खै रफी ला खै रफी कोई खैर ही नहीं है नहीं। और वो जहन्नम में जाएगी जहन्नमियों तो की सबसे बड़ा जो ट्रेड अल्लाह की ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे तकवासूल खलक तकवा और अखलाक की बेसिस पे अब अगर आप जहन्नम में जाए अल्लाह ना करे ठीक है मैं मैं कह रहा हूँ कि अगर जहनम वालों का इंटरव्यू दिखाया जा रहा हो जस्ट टू एग्जाम्पल और सर से से करीब करने के लिए कि वहां पर जाके माइक लेके हम पूछ रहे हो यार आप वट मेड यू एंटर फायर वट मेड यू एंटर फायर एवरेज लोगों का जो यूनानिमस रिस्पॉन्स होगा वो कहेगा अल्फा मूल फराज hmm. मू और प्राइवेट पार्टी oh, जबान यानी जब, वो जो जुबान से चोटें लगती हैं ना तलवार से चोटें हील हो जाती हैं यार जबान से चोटें हील नहीं होती और हम तो काउंसलिंग की फील्ड में हैं और हम देखते हैं यार एक एक लफ्ज एक इंसान की जिंदगी शेटर करने के लिए काफ़ी है प्यार में भी बढ़ाने के लिए है और नफरत में भी दोनों चीज़ है ना आप किसी को बिल्डअप भी कर सकते हो और किसी को तबाह सो पावरफुल्ड इसके ना इम्पैक्ट बड़े लॉन्ग आप वो हदीस में आता है ना कि कोई शख्स कलमा बोलता है ठीक है और you know, so वो जहनम के

उनके बेटे को ना इशू था यानी वो अपनी ज़ुबान पे ना कंट्रोल नहीं कर सकता था उनका बेटा तो उसके फादर ने कहा कि ठीक है मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना एटलीस्ट इसको अवेयरनेस इसके अंदर लेके आऊँ कि व्हाट इज़ ही इनटू तो कहता है कि बेटा अब जब आपकी ज़ुबान स्लिप होगी ना जब आपको गुस्सा आ जाए और अपनी ज़ुबान से आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द बैकयार्ड जस्ट हैमर अ नेल तो कहते ठीक है अबाजी तो होता क्या है कि एक दिन उसने तकरीबन तीस कीलो कील जो है ना ठोक दिए पीछे जाके यानी तीस दफ़ा उसने अपनी ज़ुबान का जो है बुरा इस्तेमाल किया और फिर जब उसने एक दो दिन ऐसे किया ना कहता कि यार ये तो पूरा इतना ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा मैं अपना अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे सा उसको रियलाइजेशन होने लग गई तो फिर उसके अबू ने कहा कहता है कि बेटा अब आप जितने दिन गुस्सा नहीं होंगे अपनी ज़ुबान का बुरा इस्तेमाल नहीं करेंगे ना आपने उतनी ही दफ़ा कील निकालते रहना है तो बेटा कहते ठीक है अबाजी आल डू दैट तो होता क्या है कील निकलते रहते निकलते रहते हैं एंड अ टाइम कम्स वेयर देर इज़ नो नेल ऑन द वॉल तो फिर बेटा ना बड़ा खुशी खुशी आता है कि अबा जी आई डेड अब वहाँ पे कोई कील नहीं लगा हुआ तो अब अबा जी बोलते हैं बेटा आओ कम विद मी एट द बैक यार्ड जब पीछे जाते हैं ना दोनों खड़े होते हैं बाप बेटा कहते हैं बेटा वॉट यू सी कहते हैं फादर देर इज़ अ वॉल सब कुछ ऐसे ही है फिर कहता है बेटा आपको होल्स नज़र आ रहे हैं बोलता यस है, yes. तो फिर बाप ने समझाया कि देखें आप जब ज़ुबान आपकी स्लिप होती है ना आप डैमेज कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप सॉरी भी कह दें प्लीज़ फॉर गिव मी प्लीज़ पार्डन मी ये आप कह देते हैं नो यू नो वो तो आप समझते हैं कि मैंने मामले को ना रफा दफा कर दिया बट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एज़ वेल यू लीव दोज होल्स उन होल्स को नहीं भरा जा सकता और ब्रो hmm. कितने ही ऐसे यानी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन हैं ऐसे कलिमात कह देते हैं ग़ुस्से में वो अब आप रिवर्स नहीं कर सकते और ज़िंदियाँ तबाह हो गई हैं यानी हस्बैंड एंड वाइफ हैव बीन सेपरेटेड बच्चों की ज़िंदियाँ तबाह हो जाती हैं और ये एक ही कलमा कलीमा बंदे को कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है तो ये जो है ना वही बात आती है ना कि उमर बिन ख़ाब कहा करते थे कि मैं खामोश रह के इतना नहीं पछताया कभी जब मैं बोल के पछताता हूँ यानी वन यू आर साइलेंट वो कहते सा, हैं ना मन मनसाता फ़न अजा रसोल फरमाया कि जो खामोश रह गया ना समझो उसकी नजात असल में ना मुझ इसके पेरामीटर्स बहुत डिफरेंट भी हैं एक्सटेंट इसका बहुत ज़्यादा है मतलब एक तो आता है ना नॉर्मल आपका बोलना जैसे जो रहा है उजरात में आता है ना कि ला यस ख़र को ममिन कौमिन अब ये जो यस ख़र है सुखरिया का जो वर्ड है ये इसतजा भी यूज़ हो सकता था लेकिन सुबह ला जैमज ही जैमज कुरान में तो तोल्ला तु अगर वर्ड आउट ऑफ ऑल द सरेम्स यूज़ किया तो उसकी एक बड़ी हिमत है hmm. अभी जो सुखरिया है इसमें सर्कज़म होता है यानी वन यू से समथिंग अंडर अ ब्रेथ किसी को आपने कोई जुमला कह दिया आ, उसे लगा कि आपने कुछ कहा है लेकिन आपने जब पूछा तो उसने कहा कि नो न थिंग कोई hmm. ऐसी बात नहीं है यू नो लेकिन hmm. आपने कुछ कह दिया तो ये जो वर्ड है ये अल्लाह ताला ये इस वर्ड के बारे में कह रहे हैं कि इस किस्म का सार्कज़म वाला मजाक आपने किसी के साथ नहीं करना है यानी नॉर्मल मजाक की बात नहीं हो रही

बुरा भला बोलते हैं और उसको डैमेज पहुँचाते हैं जिस तरह आपने कहा ना कील ठुकता है और वो उसका डैमेज रह जाता है हस्बैंड वाइफ डायरेक्ट में जो लगता है कि यार हमारी सोसाइटी में वो शेख अब्दुल मनान रासिक थे ना उनका शायद याद हो जुमे का खुतबा था उसके बाद उन्होंने हमें भी एक दफ़ा उसमें बड़ा उन्होंने इस पर बात की कि हमारे यहाँ यहाँ जो एक मिजाज बनता जा रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल है का और लोगों के बारे में ना इम्प्रेशन uh, बनाना और लोगों को डिस्कस बहुत करना एक्सेसिवली अच्छा इसके ना सबसे तो बड़ा नुकसान जो मैंने एटलीस्ट देखा है जो होता है ना वो पता क्या होता है अक्सर जस्ट कैजुअली वी स्टार्ट टू वी टॉक व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सन लोगों के बारे में बात करें तो हम जो यहाँ मौजूद नहीं है जो भी हम उसके बारे में बात करें हम उसका एक इम्प्रेशन बना रहे हैं जो उन लोगों के सामने जो जो तो बैठे सुन रहे हैं Hmm. अब क्या और हम उसको एक डब्बे में बंद कर रहे हैं चाहे उसकी क्वालिटी बयान करें चाहे उसकी क्वालिटीज का भी बयान कर रहे होते हैं मोस्टली तो हम कोई ना कोई उनका नेगेटिव यार फलाना बंदा ऐसा है फलाना ऐसा है फलाना ऐसा है। और इवन रिलेशनशिप्स uh, में भी सास बहू के बारे में जो इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं अक्सर मदर इन लॉ जो है वो अपनी बेटियों से या किसी और से बहू की बातें करते रहेगी जो लड़की है वो अपनी किसी फैमिली से ना वट द मोर यू अटर दोस वर्ड्स आपका उस पर बिलीव बढ़ता जाता है सामने वाला बंदा अगर वो गिबत के अंदर शामिल होगा तो आपको कहेगा हाँ 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 तो आपका वो सपोर्ट कर रहा है उसके जहन में भी उसके जितने लोगों के साथ आप बात करें वट कि उन सब का ये इंप्रेशन उसके बारे में पता जाएगा गिबत वालों की सजा जहन्नम में पता क्या है जो रबी सब इस्लामाराज पर तो कुछ लोग ना अपने मुँह को ना स्क्रैच कर रहे थे Allah, तो लिखते हैं हैं कि ये ये वो जो करने वाले मुंह क्यों कर रहे थे? Because what happens is, जब ये किसी की करते ना और excessively उनका एक माशरे में गलत इम्प्रेशन बना देते हैं वो लोग उस माशरे में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते जाता है कि नाउ देस्ड मतलब आपको पता लगे यार इधर ना मेरी यहाँ पे

तो उनमें ये था कि वो आयरन से अपने और वो हम तो स्क्रैच करें ना अपने कुछ नहीं होगा शायद निशान पड़ जाएगा उनकी स्किन फट के और कट के जो है ना उसमें होल्स हो और अकील बिन माक़िल कहते हैं कि मुझे वहाब बिन मनाबे ने कहा कि जो एन बंदा होता है ना वो तीन काम करता है जो हाथ होता है नंबर वन जिससे वो हसद करता है उसके उसकी उसको लेट डाउन करता है उसके बारे में लोगों में एक इम्प्रेशन डेवलप करता है जो उसके दिल में हास्त और बोख है दूसरी चीज़ जब उसे मिलता है वो तो उसको फ्लैटर करता है उसी तरीके से करते हैं आप तो कमाल आप तो ये वो माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया और सब कुछ ठीक है, और तीसरी चीज़ ही इज़ इज़ व्हेन ऑन हिम, ही कि आप एक मुसलमान के ऊपर आफत के आने पे खुश फील करें नहीं मैं नहीं क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि हाँ अच्छा हुआ वैसे दिल में होता है आप सुबह ये पता अक्सर कब होता है जब हम किसी दो दोस्त वगैरह तो है ना हम किसी के बारे में बात करें यार ये बंदा फलाना ऐसा है ये मतलब छोटी सी बात करते हैं ये फारिक प्लेयर है ये क्रिकेट इसको बिल्कुल नहीं आती चीज़ें नहीं आती है अभी कोई उसके बारे में कहे इसको बिल्कुल सेंस नहीं है और वो चीज़ ऐसी उसके साथ हो जाए ना ओह हो, हो जो खुशी उस तरह के बंदों को होती है कि मेरी जो प्रडिक्शन जी प्रडिक्शन भी ठीक होगी और मैंने जो इंप्रेशन इसके बारे में बनाया था ना वो अब प्रूफ हो गया तो मैं सच्चा साबित हो गया चाहे आपने और लोगों के सामने यार हम ये लोगों के साथ मुझे लगता है ये खुद ही करते हैं ज़्यादा हाँ किसी के अगर दिल में ये बात आती है कि मैं किसी गैदरिंग में रिस्पेक्टेबल नहीं हूँ तो उसका आ, कसूर शायद बाकी सब लोगों का भी होता है कि वो उसको आ, डिग्रेड किया जाता है उस शख्स को मे भी किसी खास क्वालिटी पे जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो अच्छा खेलता नहीं है या अच्छा

हमने कहा ना कि वो जवाब नहीं दे पा रहा या वो जो भी उसके अंदर इशूज़ हैं अब देखें ना ये जो जितने भी लड़के हंस रहे हैं जो भी उसके कोलीग्स हैं दे फेल टू रियलाइज़ कि एक दिन आएगा इन सब को खड़ा होना पड़ेगा क़यामत के दिन अगर इस बंदे को इस, इस बंदे के दिल को दुखाया इन लोगों ने तो इनके हसनात नेकियां उसके अकाउंट में डाल दा, दी तो और अगर इनके पास यानी हसनात नहीं होंगे इनके पास नेकियां नहीं होंगी तो इस शख्स के जो गुनाह है वो इनके अकाउंट में दे तो सीधा सीधा। सुनिए देखें इस्लाम बड़ा कमाल है इट हेल्प्स यू इन एवरी एस्पेक्ट हम लोग हमारा लो क्या फायदा उस कुरान का सही रात पढ़ने का रमजान में हर दिन कुराना खत्म करने का जब हम किसी के खिलाफ बात कर दें इट्स लाइक ए लीकिंग बकेट वही होल्स वाली बात है Definitely. कि उसमें आप अमार डालते जा रहे हैं और वो अमार लीक करते जा रहे हैं इमेजिन एक बकेट है जिसमें आप पानी <laughs> भरते जा रहे हैं और मिनरल वाटर है ah. या कोई जूस है बड़ा फ्रेश hmm. और वो निकलता जा रहा है एंड दिस इज़ द सेम हदीस में आता है जो शख्स हासद होता है ना हसद नेकियों को इस तरह जलाता है जिस तरह आग एक सूखी हुई लकड़ी को जला देती है hmm. और हसद शुरू दिल से होता है और अल्टीमेटली ब्रो दिल में नहीं रहता नहीं। फिर जबान पे पर आते हैं में भी आते। और जबान पे आता है और बोलता है तक कि ब्रो अगर तब भी ख़त्म ना होना फिर एक्शन में अपने हाथों पर ट्रांसफर होता है नहीं। नहीं। और आप देखें सुफीन अला कितना आम है ये कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ यानी वैसे असल ब्रो इसका पता क्या है इंसान खामोशी को पसंद करे हदीस में आता है ना तीन क्वालिटीज़ इसको ताक कर देगी उसको बड़ा बेहतरीन खैर अदा कर देगी उनमें से एक है लंबी साइलेंस यानी आजकल वो इंसान जो उम्र में भी कहा करते थे सुफान अला कमाल कहते हैं कि द वन हु स्पीक्स मोर एयज़ मोर वो गलतियाँ ज़्यादा करता है और जो गलती ज़्यादा करता है वो किसी फ्रीक्वेंट चीज़ की वजह से पहचाना जाता है और जो शख्स जोक ज़्यादा करता है उसकी वजह से वो पहचाना जाता है और हुँ, उसकी वजह से पीपल हिम लाइटली उसकी उसका उसका जो रोब है वो वक़ार है वो कम होता है और जिसकी वजह से यानी उसकी पार्टी कम होती है और उसका तो देखे नहीं मुझे तो को रिलेशन नज़र आ रहा है जब हमारे नबी ने फरमा वसलम अपनी जुबानों को ना तर रखो तप यंग अगर बंदा अल्लाह तला का जिक्र कर रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ों से बचा रहेगा हम करते क्या है हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम नमाज जब पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं हमें नहीं पता कि यार हमने वो कुर्सी भी पढ़नी थी जो असकार है नमाज के उसके बाद पढ़ने वाले वो भी नहीं पढ़ते ना हमारे सुबह के असकार इंटैक्ट हैं ना हमारे शाम के असकार इंटैक्ट हैं ना सोने से पहले हमें पता है असकार देन वे डू यू सी योर सेल्फ मेरा ख्याल है एज ए सोलूशन इसको करटेल करने के लिए हमें अपनी गैदरिंग्स में ना कम से कम इसके बारे में ओपनली बात करनी चाहिए एक दूसरे से और ये सेट रूल्स ही बनाने चाहिए कि एक दूसरे को हमें स्टॉप करना है देखिए वी विल फॉल ऐसा हो नहीं सकता कि हम गिरेंगे नहीं लेकिन ये कल्चर डेवलप करना होगा हर गैदरिंग क्योंकि थोड़ा सा ना बंदा शाए फील करता है कि यार अगर मैंने अभी बोल दिया ना ये दस लोग बैठे हुए हैं कि यार कहीं हम गीबत तो नहीं कर रहे कहीं आप गलत मजाक तो नहीं उड़ा रहे तो ये सब लोग जो है ना कहेंगे

अच्छा अमल कौन है कौन सा अमल है और वॉट इज़ यू नो द रियल सक्सेस उन्होंने कहा कि गरीजल़ल कि अक़ल का इंटैक्ट होना कि आपकी जो अक़ल की जो लाइट है ना वो हमेशा ऑन रहती है आपको पता है कि यार मैंने हाउ डू आई हैव टू रिएक्ट या मैंने बात कैसे करनी है तो उस शख्स ने ना दूसरा सवाल किया फ़ाइल में अगर उसके पास अकल नहीं है फिर क्या करना चाहिए तो फिर फरमाते हैं फ़सन अदब उस शख़्स के आदाब अच्छे होने चाहिए और फिर फ़रमाया में कन अगर उसके पास इतनी भी सतात नहीं है उसके पास अखलाक अच्छे नहीं हैं तो फिर फ़रमाया कि उसके दोस्त अच्छे होने चाहिए यश तशीरू भी कि जिसके साथ वो बैठे और मुशावरत करे कि यार इसमें क्या करना चाहिए वट शुड आई डू और फिर फ़रमाते फ़िल्मन अगर इतनी उसकी अच्छे दोस्त भी नहीं हैं अच्छी कंपनी नहीं है फिर क्या करना चाहिए दैन अब्दुल्ला बबिन मुबारक सैड फवील यानी अपनी ज़ुबान को ज़िप करके रखे अपनी जुबान को खोले नहीं He should stay silent. कितना कमाल का कोट है यार देवर पीपल ऑफ़मा यार hmm. और अल्लाह के नी जब ना तीन चीज़ें जो सबसे सब ज्यादा नफरत की जाती है यानी सबसे जो अल्लाह को बुरी लगती है उनमें से एक पहली है कीला वकाल hmm. hmm. गॉसिपिंग, गॉसिपिंग। और अल्लाह के नबी hmm. जब भी किसी के बारे में ऐसा इंप्रेशन करिएट किया जाता था ना तो रसोल सल्लम हमेशा उसके पॉजिटिव मेंशन करते थे इसे बिन अब्बास के बारे में लोग बिन मसूद के बारे में लोग हंस रहे थे और वो चढ़े हुए थे दरख्त पे और वो कुछ उतारने के लिए फ़्रूट्स वगैरह तो जब हवा चली तो साहब ने देखा कि वो झूलने शुरू हो गए हैं और उनकी पिंडलियाँ जो है ना ये शिन्ज एक्सपोज हो गई हैं तो देवर से तो अल्लाह के मीन समझा तुम्हें ये चीज़ हंसा रही है ये तुम्हें बहुत पहाड़ से भी भारी ये पिंडलियाँ हैं पॉजिटिव इवन वो जो एक सहाबी थे जिनके जिनको पीछे से मैंने हक हाँ किया हा कियालीसल्लम और कहा कि कौन मुझसे गुलाम खरीदेगा कौन मुझसे गुलाम खरीदेगा ठीक है <laughs> तो जब देखा के मी है तो उन्होंने अपने आप को आपको स्क्वीज़ कर लिया कि रसुल्ला मुझे ना ये इससे ये एहसास होता है कि दीज पीपल व्यूमेन हाँ मतलब अगर इस तरह का कमेंट पास कर रहे हैं वो तो हम में भी ये चीज़ें हैं कि हम भी करते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि वो अपने आप को करेक्ट करने वाले हैं डिफरेंस पता है कि मैं आपको बताऊं डिफरेंस ये है कि अभी हमने अहादीस बयान किए हैं या हम भी अहदीस सुनते हैं आयात सुनते हैं हमारा क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर और साहबा एक नाम के कहते थे आपको पता है उमर उमर बिन खत्ताब ख़ता रज़िया आयशा रजी लनहा फरमाती हैं कि वैन उमर यूज़ टू तो स्पीक पीपल यूज़ टू तो लिसन टू तो हिम यानी ही हैड अ वोक, वोकल वॉइस यानी उन, उनको ये आ, स्पीकर की ज़रूरत नहीं थी माइक की और उनके बारे में ये भी एक फ़नी नरेशन है एक बार वो ना बाबर के पास बैठे हुए थे बाल कटवा रहे थे ना वो खामोश थे अब जब बार बार थोड़ा सा करीब हुआ ना तो उमर रज़ीला वन बताने लगे कि मेरे बाल कुछ इस तरह एडजस्ट कर दो वेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग बार बार डर गया और चला गया लेकिन ही हैड वेरी डीप वॉइस लाशा अब देखिए इसीलिए आपको याद होगा कि या, कैसी नहीं रसूलुल्लाह कहते थे ना सल्लल्लाहु के वसल्लम कि आप जो है ना थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लें जब आप कीरत करते हैं और उमर आप अपनी कम कर लें अबू बकर इसरा जैसे थे और उमर मूसाला सलाम जैसे थे अब नाउ इमेजिन देखिए उमर बिन खत्ताब की पर्सनालिटी क्या है

With with you know, how, you know know how the the connection they had with the Quran and Sunnah. Even आप देखें कि अलैहि वसल्लम के पास एक जो साहबी लाए गए वो ड्रग एडिक्ट यानी शराब पिया करते थे एल्कोहल के एडिक्ट थे तो साहबी ने कहा कि तुम्हें शर्म है बुरा बुरा कहा कि तुम अभी तक शराब पीते हो तो हालांकि वह गुनाह रहे थे लेकिन अल्लाह के नबी वसम ने उनका एक जनरल इम्प्रेशन स पॉजिटिव बनाने के लिए कहा कि नहीं बट ही लव्लाज मैसेंजर सो एक तो टिप ये है कि गीबत सबसे आला तो ये गीबत सुने ही ना रोक दें ये ग्रह होनी चाहिए में क्योंकि जो गीबत सुनने वाला है और जो करने वाला दोनों बराबर हैं फिर ठीक है और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बड़ा है तो उसके सामने उसी पॉजिटिव बयान करना शुरू कर दें जैसे साहबा के बारे में यानी सलफ़ के बारे में आता है कि वो जब भी उनके सामने किसी चीज़ किसी इंसान की नेगेटिव क्वालिटी मैंशन की जाती उसी पॉजिटिव मैंशन करते हैं सो रेपिंग टाप अमल की जो आपने बात की कि अगर हम लोगों में अमल आ जाए ना यानी इल्म का जो फ्रूट है वो अमल है हिम्मत आलमल व हमतुलजाह एक आलिम की जो हिम्मत और कोशिश क्या होती है नॉलेज के उसमें वो अमल होती है और एक जाहिल की कोशिश क्या होती है कि वो रवायतों में पे रवायतें पेश करे फेसबुक पे डिबेट्स करे लंबे दो दो सौ कॉमेंट्स की जो है ना वो करे एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट ईगो एज़ वेल कि माय दलील वर्सेस योर दलील कि मैं ज़्यादा अच्छा पॉइंट लेके आया हूँ and we should never ever indulge ourselves into such debates. knowledge knowledge नॉलेज हासिल करें दीन का ना दीन को समझें हम और को knowledge भी हासिल करें बहस करने के लिए आ, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। हमें खालिस रखें आप अपने ये आर्ग्यूमेंटेशन वाला जो एटीट्यूड है ना माइंड हाँ। सेट ये बस ये हर माम कहीं भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ लेना ये कारोबार की आपके टूटते जाएंगे दीनी मामला में कर रहे हैं तो गुना शायद कमा रहे हो मतलब देखिए आर्ग्यूमेंट तब करने का फायदा अगर उसका मतलब आपकी कोई ऐसी बात है ऐसी जहाँ पे एक्चुअली में बहुत बड़ा फायदा है उसके लिए हमारी नॉर्मली डे टू डे पॉलिटिक्स पे बहस चल रही है फजूल की बहस

ये ऐसे पुराने जो है ना गड़े मर्दे ना ऐसे लेक्चर्स ना सुने जो कि आपको ना पुराने फिकी मसाइल और पुराने दिल का उम्मत उनका ख़लत लहा मा का सबक वाले को मै का सब तुम गुजर गई हैं आप वो लेक्चर्स सुने जो आपको इल्म में बढ़ाएँ

तो एक तो आप इन चीज़ों से बच भी जाएंगे और अल्लाह ताला आपको यानी बहुत सारी नेकियों से आप नवाजिम तो कि को को निजात किस में है निजात अगर हमें सेल्वेशन चाहिए इस जब गुनाह से आपने कहा था रत में दिखरेला अपनी जबान को मॉइस्ट रखो अब अब्दुल्ला बिन मुबारक का कमाल का कोट है कहते हैं कि ब्यारा फतह लहू बाबुलमल जब अल्लाह सुबह किसी इंसान से खैर का इरादा करते हैं उसके लिए अमल का दरवाज़ा खोल देते हैं और वह आरातल्ह बब दिन शर्रा अल्लाह जब किसी इंसान से शर का इरादा करते हैं फ़तह लहु बाबल जदल और उसके लिए आर्गुमेंटेशन का बहस में बहसों का फेसबुक पे कमेंट्स और लड़ाइयाँ और अपने ईगो को वो करने के लिए कि मैंने इसको नीचा और जेर कर दिया बहुत इस बात होती हैं और जो है ना ट्रेन किया जाता है कि दी आर्ट ऑफ स्पीकिंग और इस तरह एलिक्वेंट कैसे आप बन सकते हैं लेकिन वी सल्डमली टॉक अबाउट यू नो द आर्ट ऑफ साइलेंस कि आपने खामोशी कैसे इख्तियार करनी है mm -hmm. और यू नो यू नो सम वाइज मैन यू नो ही सेड कि देखें यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम नॉट एवरी थिंग इज़ फॉर यू टू रिस्पॉन्ड कि आप हर बात जो है ना रिस्पॉन्ड ही करते ठीक है, yes. है आप दोबारा जो है रिस्पॉन्ड करते रहें तो वह है कहते हैं कि मिसाल के तौर पर यू नो इट्स नाइट टाइम और देर इज़ अ फुल मून और आप एक पॉइंट के सामने बैठे हैं ठीक है एक लेक mm -hmm. है Uh, अगर उस पॉन्ड में फॉर एग्जाम्पल रिपल्स नहीं है hmm. अगर वो काम है hmm. तो वो आपको ना बहुत बहुत जबरदस्त रिफ्लेक्शन आ रही होगी उस मोन की यू नो इट नो इट विल हैवे क्लियर पिक्चर तो अगर आप उस पर पत्थर फेंकेंगे ना इफ यू विल ट्राई टू रिस्पोंड तो उस पर रिपल्स आ जाएंगे और कभी भी वो जो कंप्लीट पिक्चर है ना वो नहीं बन सकेगी दैट पर्टिकुलर पोन्ड इज योर हार्ट यू हैव टू गिव टाइम टू योर हार्ट उसको ब्रेक दें और कॉन्टेम्प्रिएट करें और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हुए ना कि ए अल्लाह आपने मुझे बचाना है और आप ही मेरे मालिक हैं अगर आप मेरे साथ हैं देन आई डोंट केयर अबाउट एनी वन एल्स तो दिस इज़ यू नो आई आज तक देखेंगे किसी शख्स ने खामोशी पे कोई नहीं पछताया आज तक नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड कोई इंसान खामोशी पछताया कि यार मैं क्यों हमेशा इंसान बोलने पर पछताता है और मार्क ट्वेन ने भी कहा था ना कि नेवर डिबेट विद एन ईडियट बिकॉज ही विल ब्रिंग यू ड्रैग यू डाउन टू हिज लेवल एंड बीट यू हिथ एक्सपीरियंस ठीक है सो हमें नहीं पता कि अगला बंदा किस इंटेलेक्ट लेवल पे है तो इन खैर की बात पहुँचाएँ दावत काम करें बट ये फेसबुक और इन सब चीज़ों पे और असल इल्म को ना हदफ बनाएँ कि मैं मैंने अपनी लाइफ को मैंने अपने अला से तल्लु को इम्प्रूव करना है मैंने अपने गुनाहों से बचना है And adopt this beauty of silence, inshaAllah. Especially sure. this month, mein, I think this is the best time yes. because, uh, so, jidana, if silence, soonge longs, sad, vaiseek, thoda kam utte, and uh, private time, Allah Taala ke sad maximum Guzara, I think that will benefit a lot.